नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड की इस खास सीरीज के पहले लेक्चर में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा आप उसको नोट डाउन करते जाइए। साथ ही जहां मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चंस के आंसर करने, वहां कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा ताकि हमारा और आपका इंटरेक्शन बना रहे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आज मैं क्लास लेने जा रहा हूं, पहली क्लास है ये, और करंट अफेयर्स में आपको इस तरीके से बताऊंगा, वो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होगा, चीजों को कोरिलेट करके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी जगह से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि समय बहुत कम हम लोगों के पास, सीधे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं बीएचयू कैप्सूल की, जो आपके लिए एनर्जी बूस्टर है। करंट अफेयर्स की क्लास है ये, कॉपी में ऊपर लिखिए और जो भी लेक्चर्स आपको जाएंगे वो बिल्कुल नियत टाइम में आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आराम मत करने लगिएगा। तो सबसे पहला सवाल करंट अफेयर्स में, इलेक्शन का दौर चल रहा है तो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त, दोस्तों आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अभी कौन है? यह है सुनील अरोड़ा। देखिए यहां से क्वेश्चंस घूम के और भी क्या पूछे जा सकते हैं कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। उसके बाद इलेक्शन से एक दो क्वेश्चंस और पूछे ये जा सकते हैं कि पहला लोकसभा चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो फर्स्ट लोकसभा चुनाव जो था, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, ये फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1952 में। और एक बात आप और ध्यान देंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है ये हमारा 17th लोकसभा इलेक्शन है। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि अभी कौन सा लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हुआ? तो वो 16th लोकसभा जो है वो अभी भंग हुआ है। तो इतने क्वेश्चंस आपके थे। हाँ, एक चीज और कि लोकसभा स्पीकर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अभी लोकसभा के जो स्पीकर है उनका नाम है सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। यहां से एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है कि पहले लोकसभा के स्पीकर जो थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट एलएस स्पीकर जो थे लोकसभा स्पीकर, वो कौन थे? तो उनका नाम था जीबी मावलांकर, जीबी मावलांकर। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो कि इलेक्शन से रिलेटेड था, और यहां से इतने सारे क्वेश्चन जो है वो दोस्तों बन रहे थे। इसके बाद आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सारे चीज को आप बिल्कुल फटाफट लिखते जाइए और जहां जहां मैं आपको बोल रहा हूं वहां जरूर कमेंट्स करिए ताकि आपको चीजें याद होती चली जाए। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वह यह है कि मुख्य न्यायाधीश अभी चीफ सीजीआई, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह कौन है? उनका नाम है रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। और एक क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि फर्स्ट सीजीआई, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह कौन थे? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वह थे हीरा लाल कानिया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। आइए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल समय की उपलब्धता के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिटेल में नहीं ले जाएंगे। चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अभी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है वह है आपके अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना। पिछले जो भी घटनाक्रम आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे 8 महीने 9 महीने के, उन सब को मैंने एक जगह इकट्ठा किया और आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम के पीक पे इसलिए दे रहा हूं कि चीजें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत पहले पढ़ने वाली चीज नहीं है, आप एग्जाम के अंतिम टाइम में पढ़िए और याद करिए, जाकर फटाफट मार्क आइए। एक और प्रश्न देखिए बन सकता है करंट अफेयर्स में कि आर्मी चीफ का नाम जो है वो क्या है? आर्मी चीफ अभी जो है, आर्मी चीफ उनका नाम है बिपिन रावत, बिपिन रावत। सीधे पॉइंट वाइज आप लिखते जाइए और रखते जाइए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है आपके पास। देखिए अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है फिर वो इलेक्शन से आ रहा है। इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग होता है, तो आपको पूछा जा सकता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म जो है वह क्या होता है? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है आपका, पॉइंट नंबर कितना है? पॉइंट नंबर 5 है। ईवीएम का फुल फॉर्म आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और यहां पे एक और चीज अब इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको कहते हैं वीवीपैट,
VVPAT, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। अब आपको इतना डिटेल नहीं जानना ये क्या है, बस आपसे इतना क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा कि VVPAT का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म उससे पूछा जा सकता है, EVM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बस इसको इतना याद रखिए और अगले पॉइंट पर बढ़िए। देखिए अभी NIRF की रैंकिंग आई थी जिसमें BHU का थर्ड प्लेस था यूनिवर्सिटी में, तो NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद आइए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में एक एयरवेज जो है वो बंद हुआ है, तो वो कौन सा है, तो हाल ही में जो एयरवेज बंद हुआ है, एयरवेज जो बंद हुआ है उसका नाम था जेट एयरवेज। ये अनिश्चितकालीन समय के लिए जेट एयरवेज जो है वो बंद हो गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन चलिए, अभी टाइम्स ने जो है 2018 के लिए इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो है सूची जारी की, उसमें जो लीडर में सबसे टॉप पे थे उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। दोस्तों कौन है ये, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो है ये स्पीकर है। नैन्सी पेलोसी को रैंक वन दिया गया है टाइम्स के लीडर वाली सूची में। हाँ एक चीज और है कि टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का वो कौन है, तो वो है आपका जमाल खशोगी। बहुत चर्चा में भी रहे थे। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो जमाल खशोगी थे। ये आपके पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, काफी चर्चा में रहा था। तो 8 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे मैंने उसको भी डील किया। आइए हम 9वें पॉइंट की ओर चलते हैं। तो 9वां पॉइंट हमारा आरबीआई से संबंधित है, तो सीधा प्रश्न पहला ये बन सकता है कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, आरबीआई प्रेजेंट गवर्नर। तो अभी जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहां से वो ये बन सकता है कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था। तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जो थे उनका नाम था ओ स्मिथ। इनका पूरा नाम था ऑसबोर्न स्मिथ, इस बात को आप याद रखिएगा, लेकिन ओ स्मिथ ही आपके एग्जाम्स में जो है या फिर सिर्फ स्मिथ लिखा हुआ आता है। मैंने ऑसबोर्न स्मिथ इसलिए बता दिया कि मान लीजिए कहीं फुल फॉर्म दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां से एक दो क्वेश्चन और बन सकता है। ये तो जो फर्स्ट गवर्नर थे ये 1935 में आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। ये 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, उस समय ये गवर्नर बनाया गया आरबीआई के। लेकिन इंडियन फर्स्ट गवर्नर कौन बना, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर जो थे उनका नाम था आपका सी डी देशमुख। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं 10वें पॉइंट की ओर। यहां से सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया आरबीआई से। 10वां क्वेश्चन भारत रत्न से संबंधित है। भारत रत्न अभी 2019 के लिए घोषणा 2018 में कर दी गई है भारत रत्न के लिए, 2018 इसके आइए लिखते हैं। तो किनके नाम की घोषणा की गई, तो तीन नाम की घोषणा की गई। तो प्रणब दा के नाम की घोषणा की गई है, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद दूसरा नाम जो है वह आपका है नानाजी देशमुख। और तीसरा जो नाम है वह आपका है भूपेंद्र हजारिका। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है भूपेंद्र हजारिका, आप लोग लिखेंगे इसको, मैंने बोल दिया है। भूपेंद्र हजारिका जो थे वह म्यूजिशियन थे और ये बीएचयू के स्टूडेंट थे, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। ये बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे और इनको नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया का जो ब्रिज कहा जाता है, पुल कहा जाता है, ये दोनों को जोड़ने का काम जो है वह करते थे। यहां से एक दो क्वेश्चन भारत रत्न से ये आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट भारत रत्न जो है वो किसको दिया गया था। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि पहला भारत रत्न जो है वो किसको दिया गया था, क्योंकि मान लीजिए आपको इसमें पूछा जाएगा ये 2018 में पहले किसको दिया गया, कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि तीन नाम है। उसी प्रकार तीन व्यक्तियों को दिया गया था पहला भारत रत्न, लेकिन जो फर्स्ट आपका नाम आता है आंसर के रूप में जीके में वो आप सी राज गोपालाचारी यूज करेंगे।
सी राज, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न जो थे सी राज गोपालाचारी, ये जो थे भारतीय राजनीति में राजा जी के नाम से भी फेमस थे, राजा जी। ठीक, उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फर्स्ट वोमेन टू रिसीव भारत रत्न, पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी, फर्स्ट वोमेन जो थी भारत रत्न रिसीव करने वाली, वो थी इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी। और भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 1954 में पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में ही हो गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके भारत रत्न से थे। भारत रत्न के बाद आइए हम लोग ह्यूमन इंडेक्स HDI की बात करें, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया है उसमें भारत का रैंक 130वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंक है 130वां, और जो नॉर्वे है वो है पहले स्थान पर, फर्स्ट रैंक जो है वो है नॉर्वे का। यहां से बस ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद आइए सीधे अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये क्लास 9 में CHS में इस बार पूछा गया, हालांकि टफ हो गया उन लोगों के लेवल से। 2018 का जो था नोबेल पीस प्राइज ये किसको दिया गया? तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया डेनिस मुकवेव और नादिया मुराद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज वाला, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हमारा 13वां पॉइंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो किसे दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? ये दिया गया आपका विराट कोहली को और मीराबाई चानू को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मीराबाई चानू जो है वह किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे लिटरेचर के क्षेत्र में, हालांकि इसमें लिखा हुआ है खेल रत्न, फिर भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये खेल के क्षेत्र में जो है वह दिया जाता है। मीराबाई चानू जो थे वह वेट लिफ्टर थे और इन्होंने काफी नाम किया है, इंडिया का गोल्ड भी जीत के लाई है हाल ही में। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 14वें पॉइंट की ओर। ये भी आपका खेल जगत से जुड़ा हुआ है, फीफा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, इसलिए मैंने फीफा को भी कवर किया है। अभी 21st फीफा का आयोजन जो है हुआ था, 14 नंबर पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग हर चीज। 21st फीफा का जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन आपका हुआ था रशिया में, और इसको किसने जीता था? तो इसको फ्रांस जीता था, याद होगा आप लोगों को, क्रोएशिया को जो है फ्रांस ने 4-2 से शायद हरा दिया था। और फीफा 2018 जो है, सॉरी 21वां फीफा को जो है फ्रांस ने जीत लिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 22वां फीफा 22nd फीफा का आयोजन, नेक्स्ट फीफा होने वाला है, हाल ही में होने वाला है, कब होगा इस वक्त का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 22वां फीफा का आयोजन जो है वो कहां होने वाला? तो ये होने वाला है कतर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कहां होगा 22वां फीफा का आयोजन, तो ये आपका होगा कतर में। ठीक, फीफा से इतना ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए 15वें पॉइंट को चलते हैं। 15वां पॉइंट है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियन महिला की ब्रांड एम्बेसडर जो है 2019 के लिए किन्हें बनाया गया है? 2019 के ब्रांड एम्बेसडर विश्व मुक्केबाजी महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? तो आपको इतना अंदाजा लग जाएगा कि जब इंडिया से ये बनाया गया है तो कौन हो सकती है? ये है आपकी मैरी कॉम को बनाया गया है। ये छह बार जो है इन्होंने जो है चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी का जीता है, इसलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद आइए सीधा 16वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 16वां पॉइंट है कि हमारा 18वां एशियन गेम्स जो है वह कहां होने वाला है? 18th एशियन गेम जो है आपका होने वाला है जकार्ता में। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। पॉइंट नंबर 16,
18th एशियन गेम्स, 18th एशियन गेम्स जो है वो आपका कहां होने वाला है, ये होने वाला है जकार्ता में, और जकार्ता कहां है, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। ठीक, इसके बाद आइए अगले पॉइंट की ओर फिर बढ़ते हैं, इससे ज्यादा पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा अगला 17वां पॉइंट है कि 44वां फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को मिला। अभी 44th फिल्म महोत्सव हुआ था, इसमें स्वर्ण मयूर पुरस्कार, 44th फिल्म महोत्सव स्वर्ण। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हिंदी इंग्लिश के नोचा आप लोग मत जाइएगा कि सर हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा। लगभग टर्मिनोलॉजी जहां पे भी हिंदी इंग्लिश की जरूरत पड़ रही है मैं यूज कर दे रहा हूं, लेकिन जिस टर्म को उसी लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसी तरीके से यूज करते हैं, वहां मैं सीधा हिंदी में आपको बताते हुए निकल जा रहा हूं। तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है 44वें फिल्म समारोह में यह आपको दिया गया डोनबास मूवी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डोनबास मूवी को। और ये डोनबास, ये जो फिल्म महोत्सव पुरस्कार हुआ था, ये हुआ था गोवा की राजधानी पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा की राजधानी कहां है, तो गोवा की राजधानी पणजी हो गई। इसके बाद सीधा आइए 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18th क्वेश्चन की ओर। हमारा 18th क्वेश्चन है एशिया कप, अभी हाल ही में हुआ था 2018 में, एशिया कप 2018 किसने जीता, पता ही होगा आपको एशिया कप किसने जीता, बता दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में हमको फटाफट, एशिया कप किसने जीता। तो एशिया कप जो है वो आपका जीता है भारत, बांग्लादेश से, भारत जीता किससे, बांग्लादेश, वाला का भारत जीता। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एशिया कप किस चीज से संबंधित है, याद रखिएगा एशिया कप का संबंध जो है वह क्रिकेट से है, क्रिकेट से, एशिया कप का संबंध जो है वह आपका क्रिकेट से है। इसके बाद आइए 19वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 19वां पॉइंट है हमारा खेल जगत से T20 से संबंधित है, T20 महिला विश्व कप अभी हुआ था, T20 महिला विश्व कप जो है वह किसने जीता, T20 महिला विश्व कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, T20 महिला विश्व कप 19वां पॉइंट हमारा है, T20 महिला विश्व कप, क्रिकेट की बात कर रहे हैं याद रखिएगा, महिला विश्व कप, क्योंकि T20 आने में वो क्रिकेट की बात हो गई। ये किसने जीता, ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने। और यहां से एक दो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंडर 19 का भी 2018 में विश्व कप हुआ था, जो अंडर 19 का विश्व कप ये किसने जीता, ये जीता भारत ने। क्या से देखिए एक दो क्वेश्चन और ये बन सकते हैं क्रिकेट से, अभी चूंकि ये चर्चा में है इसलिए एक दो क्वेश्चन यहां से ये निकल आ सकता है निकल के, कि सबसे तेज 10,000 रन, फास्टेस्ट 10,000 रन जो है क्रिकेट में वो किसने बनाया, तो वो विराट कोहली के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया, विराट कोहली। इसके बाद यहां से क्रिकेट से एक दो क्वेश्चन ये भी आता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है, दिलीप ट्रॉफी इसका भी आयोजन बिहार में हुआ था, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे इसमें कौन रेड साइड कोई जीता, इसमें दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो सीधा क्रिकेट से है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर देखिए, यहां से एक पॉइंट और हमारा छूट रहा है, वो है कि आईसीसी वर्ल्ड कप अभी होने वाला है ना 2019 में, वो कहां होगा, इसका आयोजन कहां होगा, पता होना चाहिए आपको कहां होगा, इसका आयोजन होगा इंग्लैंड में इसका आयोजन होने वाला है। आइए हम लोग चलते हैं 20वें पॉइंट की ओर, आईसीसी वर्ल्ड कप हमारा ये 20वां पॉइंट था, 21वें पॉइंट की ओर चलते हैं, 21वां पॉइंट है हमारा कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू अभी हाल ही में बनाई गई है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति काफी चर्चा में है, किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार पटेल कौन थे, ये जो थे भारत के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ HM ऑफ इंडिया, भारत के पहले गृह मंत्री। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे विविध वाले सेक्शन में, तो ये थे आपके सरदार पटेल। आइए वापस आते हैं स्टैच्यू पे, ये स्टैच्यू की हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है, ये 182 मीटर है, कभी कभी क्या करता है फीट में दे देता है ऑप्शन, तो फीट होगा 597 फीट।
आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हर एक चीज को मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है और आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ जो पीक पॉइंट है उसमें दे रहा हूं, बिल्कुल बिना समय गवाए। ये मत सोचिएगा कि सर पढ़ा है इसके बाद हम याद करेंगे, बिल्कुल साथ साथ याद करते जाइए और इसके पहले कि दूसरी क्लास आए आप करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार कर जाइए, क्योंकि देखिए एनर्जी बूस्टर आपका क्या काम करेगा। मान लीजिए आप बहुत पहले से पढ़े हैं, बहुत चीजों में कंफ्यूज होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूजन तो कुछ है ही नहीं, आपको पढ़ना ही है, तो बस इन चीजों को पढ़ के जाइए क्योंकि आप पूरा सिलेबस को कवर कर नहीं पाएंगे। हाँ, जो लोग पढ़े हैं उनकी मेहनत जो है वह जरूर निखर के आएगी इस एनर्जी बूस्टर में, लेकिन कैप्सूल कभी कभी उन लोगों को भी काम कर जाता है जो लोग मेहनत नहीं किए हुए हैं, तो ये कैप्सूल आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से एक क्वेश्चन और ये बन सकता है, ये कहां स्टैच्यू में लगाया गया है, तो ये आपका लगाया गया है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात, गुजरात का कैपिटल कौन है, कई बार लोग अहमदाबाद पढ़ लेते हैं, अब बताइए हमको गुजरात का कैपिटल कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, गुजरात का कैपिटल जो है वह क्या है, गुजरात की राजधानी आपको बतानी है। इसके बाद आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, 22वां पॉइंट हमारा, 22वां पॉइंट जो है वह हमारा प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित, अभी 15वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 15वां प्रवासी, 15वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन यह मनाया गया, यह मनाया गया वाराणसी, याद रखिएगा इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह वाराणसी मनाया गया है 21 से 23 फरवरी 2019 में, यह क्वेश्चन वीवीआई आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद आइए 23वें पॉइंट की ओर चलते हैं, कुंभ मेला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभ मेला यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, हालांकि जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर दे रहा हूं। कुंभ मेला आप लोग जानते होंगे कि अभी प्रयागराज में लगा था, पहला क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि कुंभ मेला का आयोजन जो है वह कहां हुआ, तो प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ, ठीक, प्रयागराज में आयोजन हुआ। और यह भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला का आयोजन कितने साल में होता है, तो यह प्रत्येक 12 साल में जो है 12 साल में 4 बार आयोजन होता है, 12 साल में 4 बार आयोजन, कहां कहां होता है आयोजन 4 बार, तो यह होता है हरिद्वार में, हरिद्वार में, उज्जैन में, उसके बाद नासिक में, और साथ ही साथ प्रयागराज में, प्रयागराज में। देखिए यहां से एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, नासिक किस नदी के किनारे है, और प्रयागराज किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा हरिद्वार आपका है गंगा नदी के किनारे, उसके बाद उज्जैन आपका जो है वह है छिप्रा नदी के किनारे, छिप्रा या सिप्रा, उसके बाद नासिक आपका है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, और प्रयागराज गंगा यमुना कृष्णा गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे बसा हुआ है प्रयागराज, हालांकि गंगा भी आपको आएगा लेकिन जो कुंभ का आयोजन हुआ था वो गंगा यमुना और सरस्वती के मिलन पर हुआ था। इसके बाद आइए फिर से आते हैं कुंभ मेला 2019 की ओर लौट के, कुंभ मेला 2019 जो है विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड गिनीज बुक में जो है इसने अपना नाम दर्ज करवा दिया है, तो किस क्षेत्र में नाम दर्ज करवाया है, इसने लार्जेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में, लार्जेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपना नाम दर्ज करवाया, और दूसरा जो रिकॉर्ड बना वो बिना बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट, और ये भारत सरकार की एक स्कीम थी पेंट माई सिटी, पेंट माई सिटी के अंतर्गत जो है ये किया गया था, और ये बिगेस्ट एग्जीबिशन मना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसका नाम कुंभ मेले का अंकित हो गया। तो ये आपके गिनीज कुंभ मेले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा ये कहता है ओलंपिक्स से रिलेटेड है, तो ओलंपिक्स 2020 में ओलंपिक्स होने वाला है, ये आपका कहां होगा, तो ये होगा आपका जापान में, जापान में टोक्यो शहर है उसकी राजधानी, ठीक, जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक्स 2020 होने वाला है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हिस्ट्री में थोड़ा जाके कि पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो कब हुआ था, तो पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन 1896 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक का आयोजन जो है वो आपका हुआ था ग्रीस के एथेंस शहर में, ग्रीस के
एथेंस शहर में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 25 की ओर। 25 पॉइंट जो हमारा 25वां पॉइंट जो है वो फोर्ब्स पत्रिका से संबंधित है। फोर्ब्स पत्रिका जो है उसने मोस्ट पावरफुल मैन की सूची निकाली है। सबसे पावरफुल मैन दुनिया में जो है वो प्लैनेट पे कौन है? फोर्ब्स वर्ल्ड के पावरफुल मैन की सूची निकाला है, पॉइंट नंबर 25। तो फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है मोस्ट पावरफुल मैन की, मोस्ट पावरफुल मैन, इस सूची में पहला स्थान जो है वह है सी जिनपिंग को। सी जिनपिंग कहां के हैं? ये चाइना के हैं। उसके बाद जो दूसरा स्थान मिला है इसमें वो मिला है पुतिन को, पुतिन व्लादिमीर पुतिन। ये कहां के हैं? ये है रसिया के, रसा। ठीक, तीसरा स्थान जो मिला है वो मिला है डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप को। ये कहां के हैं? ये है यूएसए के। इसमें नरेंद्र मोदी भारतीय पीएम का स्थान जो है वो नाइन्थ दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाइन्थ रैंक पीएम मोदी। ठीक, और फर्स्ट रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला रैंक था सी जिनपिंग, दूसरा था पुतिन, तीसरा ट्रंप, और नाइन्थ रैंक इंडिया के पीएम मोदी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 26 जो मैं डील करने जा रहा हूं। या ये है कि फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया कौन है? अभी हाल ही में चली है, इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चल रही है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलने की क्षमता रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी से संबंधित है, इसलिए थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए 27 नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे भारत में हाल ही में मनाया जाना शुरू किया गया है। ये कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आइए सीधा क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, 28वां पॉइंट की ओर। 28वां पॉइंट जो है वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये अभी जारी किया गया है। इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का 140वां स्थान दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 सीधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो मैं डील करने जा रहा हूं, ये 10th ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित है, 10th ब्रिक्स समिट। ठीक, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और ये 10वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, माफ कीजिएगा, हो गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। और 11वां जो है, 11th, ये 10th की बात थी, ठीक, 11th जो है वो आपका होने जा रहा है ब्राजील में, ठीक, 2019 में ये होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन जो है वह कहां होने जा रहा है, तो 11वां 2019 में ब्राजील में होगा और 2018 में वो जो है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हो गया। ब्रिक्स में जो है 5 सदस्य हैं, इसके 5 सदस्य कौन कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी देता है निम्न में से कौन सा, अंडर फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, या निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स का पहला सदस्य है ब्रिटेन, ब्राजील, ब्राजील, दूसरा है रसा, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना और पांचवा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये आपके थे 5 ब्रिक्स सदस्य। इसके बाद आइए 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये आपसे यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना जो है, स्थापना इसकी कब हुई, इसकी स्थापना दो एस्टेब्लिशमेंट जो है वह 2008 में हुई थी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है,
कि 44वां G7 शिखर सम्मेलन, 44th G7 शिखर सम्मेलन ये कहां हुआ? तो ये हुआ है आपका क्यूबेक सिटी में, शिखर सम्मेलन ये हुआ है क्यूबेक सिटी में, क्यूबेक सिटी। क्यूबेक सिटी कहां है? ये आपका है कनाडा में, ठीक। 44वां शिखर सम्मेलन जो है हुआ है G7 का, G7 के सदस्य देश कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन देगा कि G7 के सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है, या निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य है। तो उसके 7 सदस्य हैं, पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान, छठा है ब्रिटेन और सातवां है अमेरिका। ये G7 विश्व के 7 शक्तिशाली देशों का ये समूह है। और 44वां शिखर सम्मेलन जो है जब क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ, और जबकि इसका 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में होने वाला है, 45th शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि G7 का 45th शिखर सम्मेलन जो है वह कहां होने वाला है। तो 30 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक चीज और इसमें देखने जरा, एक चीज और यहाँ पे है कि G20 सम्मेलन विश्व के 20 डेवलपिंग कंट्री का भी एक समूह है जिसको कि G20 के नाम से जाना जाता है। G20 को यहाँ पे देखने 2018 में G20 का सम्मेलन जो है, 2018 में G20 का सम्मेलन ब्यूनस आयर्स में हुआ, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है ये शहर ब्यूनस आयर्स, और यहां पे G20 का सम्मेलन हुआ। उसके बाद आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, 31st पॉइंट की ओर। 31st पॉइंट जो है वो हमारा फेमस बुक्स रिलेटेड है, वो करंट अफेयर की, करंट की बुक्स है, और करंट अफेयर्स में कई बार बुक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फेमस बुक्स जो चर्चा में हाल में रही है वो कौन कौन सी है, फेमस बुक्स पॉइंट नंबर 31, फेमस बुक्स ये कौन कौन सी है। तो फेमस बुक्स में सबसे पहला जो बुक है हमारा वह है वाई आर एम हिंदू, बहुत चर्चित पुस्तक अभी रही है, चर्चा में रही है, ये लिखे हैं आपके शशि थरूर। इसके बाद इस सीरीज में जो हमारी दूसरी बुक है वह बुक है नोट्स ऑफ ड्रीम। किसने लिखा है नोट्स ऑफ ड्रीम जो है वो लिखा गया है कृष्णा त्रिलोक के द्वारा। कृष्णा त्रिलोक ने नोट्स ऑफ ड्रीम लिखा है, और नोट्स ऑफ ड्रीम जो है यार रहमान की जीवनी को बतलाता है, ये बुक लिखी गई है। उसके बाद आइए तीसरा बुक जो इस सीरीज में, वो क्या है, सिंप्लिसिटी एंड विजडम। सिंप्लिसिटी एंड विजडम किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया दिनेश सहारा के द्वारा। इसका जो विमोचन हुआ था वो कुंभ मेले में हुआ था, इसलिए ये बुक बहुत चर्चित है, सिंप्लिसिटी एंड विजडम वाई एम हिंदू, ये सारी जो है चर्चित बुक्स है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक और बुक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम वॉरियर। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में आपको पता है कौन लिखा है एग्जाम वॉरियर, ये लिखा गया है नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर लिखा है। इसके बाद आइए पांचवा बुक इस सीरीज में हमारा है लेट्स द टॉप लेयर कन्वर्सेशन विथ रेडियो, ये पीएम मोदी जो अभी करते हैं मन की बात उससे प्रेरित होकर ये बुक लिखा गया है, लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विथ रेडियो। और इस बुक को जिन्होंने लिखा उनका नाम है राकेश आनंद। इसके बाद छठी बुक जो इस सीरीज में वो है काशी सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल्स
सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक आपका लिखा गया है विनीत बाजपेयी के द्वारा, विनीत बाजपेयी के द्वारा, ठीक। इसके बाद इस सीरीज में सातवीं बुक जो हमारी है वो है एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट काउंट्स, इसको लिखा है नवीन चावला ने, नवीन चावला। और अंतिम बुक हमारी, आठवीं बुक और अंतिम बुक जो इस सीरीज की है वो हमारी है ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स, जिन्ना टू मोदी, बहुत चर्चित बुक है, ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स, जिन्ना टू मोदी, इसके टाइटल से काफी विवाद हुआ था। और इस बुक को लिखा है कुलदीप नैयर ने, कुलदीप नैयर, विवादित चीजें ज्यादा पूछी जाती है, ठीक। बीबीआई आप आइए, तो ये आपका था फेमस बुक्स। इसके बाद आइए हम लोग जो है कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं, 32वें पॉइंट को, 32वां पॉइंट है 2019 में लोकसभा चुनाव, देश का कौन सा लोकसभा चुनाव, अभी मैंने आपको बताया, पहले मैंने डील कर दिया इस चीज को, तो 2019 का लोकसभा चुनाव बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा पॉइंट चुनाव है, 32वां पॉइंट। तो अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है वो हमारा 17th, और फर्स्ट टाइम का हुआ था, ये भी मैंने डील कर दिया, फर्स्ट टाइम हुआ था आपका 1952 में, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया 32वां। आइए 33वें पॉइंट की ओर चलते हैं, 33rd पॉइंट की ओर। 33rd पॉइंट जाने से पहले लोकसभा से कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो वो यहाँ पे बचे हुए हैं। तो देखिए लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या, लोकसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या जो है वो क्या है, तो वो है आपका है 552। इसमें 530 जो है वो स्टेट से होते हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी, ये स्टेट से होते हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, और 2 जो है वो मनोनीत होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, ये लोकसभा था। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको, मान लीजिए चुनाव की बात करी तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, याद रखिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में टोटल सदस्य जो है वो हो सकता है 250, और इसका जो होता है ये 238+12 का रेशियो होता है, 238 ये इलेक्शन के द्वारा आते हैं, और ये 12 जो है विभिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा से, खेल से, अलग अलग खेल संगीत से, गिने चुने कलाकार जो होते हैं, गिने चुने जो शिक्षाविद होते हैं, उन लोगों को ये 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या जो है राज्यसभा सदस्य की वो आपका 245 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इन चीजों को देख लेंगे। उसके बाद देखिए हम पढ़ तो रहे थे करेंट अफेयर्स, लेकिन करेंट अफेयर्स में मैंने उन सारी चीजों को भी ऐड कर दिया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहां से पूछा गया, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 33, पॉइंट नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33वां पॉइंट हमारा संबंधित है, अभी हाल ही में जो है एक विंडहेम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया, ये भारतीय लेखक को दिया गया, और ये इंग्लिश के जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है, इंग्लिश के जो राइटर होते हैं इंग्लिश भाषा के उनको दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है विंडहेम कैंपबेल, विंडहेम कैंपबेल प्राइज, और यह दिया गया है एक भारतीय को जिसका नाम है रघु कनाड। रघु कनाड कौन है? द वायर के बारे में आप लोग जानते होंगे, द वायर जो है वेबसाइट है ये उसको चलाने वाले उसके संस्थापक हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित एक किताब इनके द्वारा लिखा गया, फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रघु कनाड के द्वारा, और इसके लिए इन्हें विंडहेम कैंपबेल प्राइज जो है यह दिया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न, सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है, इससे हमारा रिलेटेड 34th क्वेश्चन, वज्र प्रहार
मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में हुआ है 2018 में, ये किसके किसके बीच होता है? वो जो पहाड़ ये जानिए भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक, आपसे ये पूछा जा सकता है। 35th पॉइंट की ओर चलिए, गगन शक्ति, गगन शक्ति 2018, ये गगन शक्ति जो है ये वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का खुद का ये युद्धाभ्यास है, इसमें किसी दूसरे देश को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हालांकि भारत की थल सेना इसमें सम्मिलित हुई, एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है लेकिन फिर भी थल सेना सम्मिलित हुई। और ये कहां किया गया था? ये पाक चीन बॉर्डर पे किया गया था, पाक चीन बॉर्डर पे, पाक चीन बॉर्डर पे हाल ही में किया गया। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि गगन शक्ति जो है वो किसका युद्धाभ्यास है? तो वो भारतीय थल सेना का, जल सॉरी वायुसेना का है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें अगर कोई और सेना सम्मिलित हुई तो कौन थी? तो थल सेना ऑप्शन में रहेगा, तो थल सेना लगा दीजिएगा, आर्मी लगा दीजिएगा। ठीक, इसके बाद ये कहां किया गया था? ये पाक चीन बॉर्डर पे किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है, आयुष्मान भारत काफी चर्चित योजना है, आयुष्मान भारत भारत सरकार की काफी चर्चित योजना, यह जो है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 में हुई, और कहां से हुई? रांची झारखंड से, रांची झारखंड। यह आपसे पूछा जा सकता है आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई? 2018। डेट कभी कभी दे देता है, इसने डेट में लिखा दिया है। हाँ, यह भी पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो यह झारखंड से हुई, रांची से। ठीक, इसके बाद झारखंड की राजधानी रांची, इस बात का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 37 की ओर चलिए, 37 पॉइंट जो हमारा 37वां पॉइंट वो मिस वर्ल्ड से संबंधित है। तो मिस वर्ल्ड 2017 में कौन बनी थी? भारत की मनुष्य चिल्लर, हो सकता है इस बार में पूछ दे, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था कई एग्जाम्स में। पॉइंट नंबर 37 कि मिस वर्ल्ड जो है 2018 की कौन बनी? 2018 की जो मिस वर्ल्ड बनी है उनका नाम है वानिसा पोन्स, वानिसा पोन्स, और ये कहां की है? मेक्सिको की। ठीक, और 2017 में कौन थी? मानुसी चिल्लर, और ये कहां की थी? ये इंडिया की थी। ठीक, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38वां, खिलाड़ी जिसे पद्म विभूषण मिला, अभी हाल ही में दो खिलाड़ियों को पद्म विभूषण दिया गया, खिलाड़ी पद्म विभूषण ये दो खिलाड़ियों को दिया गया, एक तो दिया गया महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरा जो है वो दिया गया पंकज आडवाणी को, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी से क्वेश्चन थोड़ा टफ किया जा सकता है, आपको पूछ देगा पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी जो है वो स्नूकर है, स्नूकर से ये संबंधित है। ठीक, उसके बाद आइए पॉइंट नंबर 39 की ओर चलते हैं, भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अभी किया है? भारत ने अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, इसका परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नि 5। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलिए, फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी को अभी एक कंपनी ने खरीद लिया, उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट। ठीक, तो पूछा जा सकता है फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी को जो है, फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी को किसने खरीदा? तो वॉलमार्ट ने खरीदा। कितने हिस्सेदारी को खरीदा? 77% हिस्सेदारी को जो है वॉलमार्ट ने खरीदा। और ये वॉलमार्ट याद रखिएगा अमेरिकन कंपनी है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस देश की कंपनी है वॉलमार्ट? तो यह है अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 41 काफी इंपॉर्टेंट, शांति सियोल पुरस्कार, ये शांति सियोल पुरस्कार अभी जो है दिया गया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, नरेंद्र मोदी को शांति सियोल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 41 शांति सियोल पुरस्कार 2018, ये किसे दिया गया? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये शांति सियोल पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है साउथ कोरिया। ठीक, साउथ कोरिया के दिया जाता है, साउथ कोरिया के द्वारा।
और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, याद रखिएगा। सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी है, और उसी की राजधानी के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पाने वाले पहले भारतीय जो है, फर्स्ट इंडियन जो है, वह नरेंद्र मोदी है। इसके बाद आइए पॉइंट नंबर 42 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 42 है कि यूएन महासचिव का नाम क्या है। यूएन महासचिव का नाम जो है वह क्या है। तो अभी यूएन महासचिव जो है वह एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक, एंटोनियो गुटेरस नाम है। ये जनरल सेक्रेटरी है यूएन के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। 43 हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अभी ग्लैक्समैन पुरस्कार 2018 में दिया, वो किसे दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय कौन सा पुरस्कार दिया, ग्लैक्समैन पुरस्कार 2018। ग्लैक्समैन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, ये दिया गया है यूसुफ मलाला जई को, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। यूसुफ मलाला जई पाकिस्तान की हैं, पाक की। 44 नंबर है कि हाल ही में किस सरकार ने श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो यूपी ने किया है। राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, राम श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक, बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। यूपी से कनेक्टेड है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 कहां मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल या फेस्ट, ये कहां मनाया गया। ये मनाया गया कुरुक्षेत्र में। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर, ये हमारे नासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी नासा ने हाल ही में जो है एक यान को उतारा है मार्स पर, मंगल ग्रह पे, उसका नाम क्या है। उसका नाम है इनसाइटर लैंडर, मार्स इनसाइटर लैंडर। अंतिम दौर में हम लोग चल रहे हैं, थकिए का मत, 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आप यकीन मानिए। 46 नंबर पे है कि नासा ने अभी एक यान उतारा है जिसका नाम है मार्स इनसाइटर लैंडर। ये कहां किस पे उतारा गया है, ये मंगल ग्रह पे, चूंकि इसमें मार्स लिखा हुआ आप लोग समझ जाइएगा। किसके द्वारा उतारा गया है, नासा के द्वारा। 47 पॉइंट है कि भारतीय नौसेना एक युद्ध पोत को जो है लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है, भारतीय नौसेना ने जो पोत लॉन्च किया है, युद्ध पोत भारतीय नौसेना, उसका नाम है आईएनएस इंफाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां हमारा है कि विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे ये कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, चलिए, आर्टिफिशियल हार्ट जो है एक देश के द्वारा भी डेवलप किया गया है, आर्टिफिशियल हार्ट, ये कौन सा देश है, ये है इजराइल, ठीक। और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का जो हमारे पास है वह है कि वरुण युद्धाभ्यास यह किन दो देशों के बीच होता है। यह होता है भारत और फ्रांस के बीच। तो यह था आपका रैपिड 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, और इसमें मैंने हर उन चीजों को ड्रिल करने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितना भी मैंने लिखाया आपको, आप उसको कॉपी में नोट करिए, और इसके पहले कि अगली क्लास अगले सब्जेक्ट की आए आप इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कि कुछ देर बाद पढ़ लेंगे, अभी आपके पास बहुत कम समय है, और आने वाली अगली
72 से 96 घंटा बीएचयू वर्ल्ड से जुड़े रहिए, आपको लगातार हम ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपके एनर्जी को बूस्ट करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कुछ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, और जैसे ही मिलेंगे जिससे आपको 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक चीज याद रखिएगा कि जो मैं अब नई क्लास जब मिलूंगा तो आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन के आपको आंसर दे रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि सब देखते हैं नहीं देखते, हम लोग हर चीज को मॉनिटर करते हैं, और जब आप लोग आंसर्स देंगे ना तो उससे हम लोग भी मोटिवेट होंगे कि नहीं बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे वो लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर्स के दूंगा, और ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि नोटबुक खोले आंसर दे दिए, ईमानदारी से आप उसके आंसर दीजिएगा। 3 से 4 घंटे बाद आपकी दूसरी क्लास आएगी, तब तक आप इसको तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।